नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका रेट इन्फोवेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन पटना जंक्शन से जम्मू तवी तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12355। यह ट्रेन 27 घंटे 12 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो यह ट्रेन कवर करती है वो है 1508 किलोमीटर, और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आर, और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन चलती है, मंगलवार और शनिवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी सेकंड टायर का किराया है 2400 रुपये, एसी थर्ड टायर का किराया है 1655 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 625 रुपये, अनरिजर्व जनरल डिब्बे का किराया है 349 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से हमें फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं टिकट के अलावा भी। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन पटना जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को सुबह के 7:25 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है दानापुर, जहां पर यह सुबह के 7:39 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 10:28 पर पहुंचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है वाराणसी जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 11:30 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है भदोही, जहां पर यह दोपहर के 12:21 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों प्रतापगढ़ जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 1:45 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है अमेठी, जहां पर ये दोपहर के 2:21 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन जायस पर पहुंचती है दोपहर के 2:48 पर और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है रायबरेली जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 3:14 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है लखनऊ चारबाग, जहां पर ये शाम के 5:20 पर पहुंचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बरेली जंक्शन, जहां पर ये रात के 9:13 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन मोरादाबाद जंक्शन पर पहुंचती है रात के 10:52 पर और 8 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है सहारनपुर जंक्शन, जहाँ पर ये रात के 2 बजे पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन अंबाला कैंट पर पहुंचती है रात के 3:27 पर और 8 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है लुधियाना जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 5:22 पर पहुंचती है और 13 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है जालंधर कैंट जंक्शन, जहाँ पर यह सुबह के 6:35 पर पहुँचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों पठानकोट कैंट, जहां पर ये सुबह के 8:20 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। आखिरी इसका स्टेशन आता है जम्मू तवी, जहां पर ये सुबह के 10:37 पर पहुंचती है
और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।